आज हम लोग बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के विषय में। ई श्रम कार्ड क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, किन किन लोगों को इसको बनाना चाहिए, ये कैसे बनेगा, इसको बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और इनसे जो है सबसे बड़ी बात कि क्या इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं भविष्य में। तो चलिए इन सब बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर इसको पसंद आए, आपको इसको जानकारी हुई इससे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं दोस्तों कि ई श्रम कार्ड है क्या। तो ई श्रम कार्ड को जानने से पहले आप थोड़ा सा मैं अलग कहानी बताऊँगा, उसको आप पहले जानिए। तो दोस्तों होता क्या है कि एक आदमी जो है मजदूरी का काम करता है और उसके बाद किसी दिन उसकी एक दुर्घटना होती है, वो आदमी ख़त्म हो जाता है, ना ही उसके फैमिली को कुछ मिलता है, कोई फ़ायदा मिलता है, ना ही उस फैमिली को काम मिलता है, कुल मिला के उसकी फैमिली ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि सही समय पे सैलरी नहीं मिलती, पेमेंट नहीं मिलता, अपने काम के बदले जो है उनकी मजदूरी नहीं मिलती है, उनको अगर कुछ हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, उनको काम के लिए अगर एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उनको बहुत से लोग तंग करते हैं, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये चोर तो नहीं है, कहीं बदमाश तो नहीं है, ठीक है, बहुत से लोग उनकी काबिलियत पे भी सवाल उठाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जबकि उस बंदे को या वो जो काम करने वाला बेचारा मजदूर है उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब को देखते हुए काफ़ी समय से एक ऐसी व्यवस्था की मतलब एक ऐसी व्यवस्था के विषय में चर्चा चल रही थी जिसमें कि ऐसे बहुत से लोग हैं, और जो डाटा की मैं अगर बात कर दूँ तो अगर हमारे देश में ऐसे लोग लगभग 38 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, माने 38 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी मतलब संगठन नहीं है, जिनका कोई भी पूछने वाला नहीं है, जिनका मतलब आप समझ लीजिए कि इस दुनिया में कोई नहीं है। बेचारे सुबह को उठते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, वो बेचारे आके अपने या फैमिली में चलाते हैं, कल क्या होगा उनको पता नहीं है, कुछ हो गया तो क्या होगा वो भी उनको पता नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग मतलब 38 से 40 करोड़ अगर लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊं कि आपने लॉकडाउन के समय देखा होगा कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर, मैंने ऐसे लोग जो कि अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे, वे बेचारे वापस अपने स्टेट में आए, उनको कोई काम नहीं था, बहुत से लोग तो दुर्घटना में ख़त्म हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं है ना, मतलब कि काफ़ी ऐसी समस्याएं थी। तो इन सभी समस्याओं का जो निदान है ये ई श्रम कार्ड के रूप में आया है। अब ई श्रम कार्ड के विषय में आप थोड़ा सा जान गए होंगे कि जो भी ऐसे लोग हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, जो कि छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाते हैं, उन सबको गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक डाटाबेस में सबको लाने की कोशिश की है जो कि नेशनल लेवल पे होगा। जैसे आपने देखा होगा आधार कार्ड क्या है, नेशनल लेवल पे आपका एक डाटाबेस है, वैसे आप क्या काम करते हैं, किस काम में आपको महारत हासिल है, किस काम में आपको अनुभव है, तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपके विषय में, आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, आपका एड्रेस क्या है, तो ये सारा जो चीज़ है, ये सारा डिटेल्स को गवर्नमेंट ने एक डाटाबेस पे लाने की कोशिश की है जिसको बोला गया है ई श्रम। ऐसे कोई भी बंदा, ऐसा कोई भी आदमी जो मजदूरी का काम करता है, जो नौकरी मतलब आपके घर में जैसे नौकरी कर रहा है, ड्राइवर है, ऑटो चला रहा है, कोई छोटी मोटी दुकान खोला हुआ है, कोई छोटे मोटे किसान हो, कोई छोटा मोटा मतलब CSC सेंटर चला रहा है, हाँ, जिनका कोई संगठन ही नहीं है, जिनको कोई पूछने वाले नहीं, वे सभी लोग ई श्रम पोर्टल पे जाके अपना एक आईडी बना सकते हैं जिनसे कि गवर्नमेंट को ये मालूम चले कि हमारे यहाँ देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनका कि कोई भी आगे पीछे नहीं है। इनसे फायदा क्या होगा, आपको क्या फायदा होगा, आपको ये फायदा होगा कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है जो निकलती है आपके फायदे के लिए,
वो स्कीम्स के जो पैसे हैं सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। जैसे अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा, बहुत सारे जिनका ई श्रम कार्ड था उनके अकाउंट में पैसे गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिनका ई श्रम नहीं था उनके अकाउंट में पैसे नहीं गए। दूसरे फायदा क्या होगा, आप एक जगह से जब दूसरी जगह माइग्रेट होके जाते हैं काम करने के लिए, तो आपसे बहुत सवाल जवाब होता है, होना लाजमी है। कौन है, कहाँ से आए हो, कैसे हो, क्या काम जानते हो, क्या काम नहीं जानते हो, कितना अनुभव है, कितना पेमेंट आपको दे सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो अब जब आपका एक ई श्रम कार्ड बन जाएगा, तो आपका ई श्रम कार्ड में आपकी आइडेंटिफिकेशन से लेके एड्रेस से लेके आपका काम सारा कुछ उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा। तो आपको जो है हम मतलब बहुत ज़्यादा अपने को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका ई श्रम कार्ड से ही मालूम हो जाए कि इस बंदे में क्या दम है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो बेचारे गरीबी में या कहीं काम करते करते दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, फिर उनकी फैमिली को देखने वाला कोई नहीं होता। लेकिन ई श्रम कार्ड अगर आपका है तो अगर आपको कुछ भी होता है तो 2 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलता है, आपकी फैमिली को जो आपके नॉमिनी है उनको मिलता है, ये फायदा है। या फिर अगर मान लीजिए आप विकलांग हो जाते हैं, काम करते करते कहीं आपकी दुर्घटना हो गई है और आप विकलांग हो गए शारीरिक रूप से, तो भी आपको 1 लाख रुपये मिलता है। तो ये बहुत मतलब बहुत मेरे हिसाब से बहुत फायदे वाली चीज़ है कि अगर आप हो तो आप खुद का ई श्रम कार्ड बनाइए। अगर आपके घर में आपके यहाँ कोई भाई काम कर रही है, आपका ड्राइवर है, आपका माली है, आपके यहाँ कोई सब्जी देने आता है ना, कोई आपके यहाँ कचरा उठा के लेके जाता है, उन सबको का भी आप ई श्रम कार्ड बना के उनकी मदद कीजिए। तो ये इसके फायदे और नुकसान है। अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन लोग ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो मैंने काफ़ी नाम ले लिया है, लेकिन अब मैं आपको एक लिस्ट भी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और मिले। सबसे पहला कि कौन कौन लोग ई श्रम बना सकते हैं, तो आप वैसे सभी लोग ई श्रम कार्ड बना सकते हैं जो कि मजदूर है, जो कहीं दूसरी जगह मजदूरी में काम करने जाते हैं, जिनका कोई परमानेंट जॉब ही नहीं है, जो छोटे किसान हैं, जिनकी बहुत छोटी किसानी है, बहुत बड़े ठेकेदार नहीं, छोटी मोटी किसानी है, वो से जो खेत में मजदूर काम करते हैं, जिनका सीजन होता है तो काम मिलता है, नहीं सीजन होता काम नहीं मिलता है। आपके मछली व्यवसाय करने वाले लोग, चाहे मछली पकड़ने वाले हो, बेचने वाले हो, सब्जी बेचने वाले हो, किसान में तो सब गिनती आ जाता है। कोई छोटा बिजनेस मैन है, मान लीजिए किसी की चाय की छोटी सी दुकान है, कोई कुछ बेच रहा है, छोटी मोटी दुकान है, ठीक है। कोई छोटी मोटी जो कंपनियां होती है, आपने देखा बहुत सारी कंपनियां होती है जिसमें वो मजदूर लोग काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, लेबलिंग का काम करते हैं, इधर उधर बहुत सारे काम होते हैं जो बेचारे छोटे मजदूर लोग करते हैं, जिनकी दिहाड़ी जो 100, 150, 200, 500 के अंदर ही होती है। चमड़ा का बिजनेस करने वाले लोग जो चमड़ा का जूते चप्पल बनाते काम करते हैं, ठीक है। जो लोग फर्नीचर का काम करते हैं, कारपेंटर जिसको बोलते हैं, वो भी इस सब बना सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मजदूर जो बिल्डिंग वल्डिंग बनाने में काम में आते हैं, ठीक है। आपके मकान अगर बना तो जो मजदूर है वो लोग भी है, ठीक है। सब्जी फल विक्रेता मैंने बता दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिक्शा चलाते हैं, या फिर आपका कोई वाहन चलाते हैं, जैसे ई रिक्शा भी हुआ, ऑटो हुआ, तो ये सब भी काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी इस तरह से आप खुद ही आइडेंटिफिकेशन कर लो कि आप जो काम करते हो तो वो काम जो है बहुत ज़्यादा तो आप पैसा नहीं कमा रहे हो, लेकिन जो छोटा सा लेबर क्लास का आप कमा रहे हो तो आप उसमें इस समय रजिस्टर कर सकते हो। अब आता है कि कौन से लोग लोगों को इस समय रजिस्टर नहीं करना चाहिए। अब आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई अच्छी खासी कंपनी में अच्छा रेपुटेशन पर अच्छे पद पे हो, आपकी अच्छी खासी 20-30 हज़ार 50 हज़ार सैलरी आ रही है, या फिर आप स्टूडेंट हो और अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे मतलब अच्छे अच्छे कोर्स कर रहे हो ताकि आप आगे चल के मतलब बड़ा स्कोप हो आपका, तो मेरे हिसाब से आपको मतलब आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ई श्रम कार्ड बना लोगे तो आपका डाटा बेस क्या हो जाएगा उसमें आ जाएगा। हाँ, बहुत से लोग हैं यहाँ चोरी करने के लिए, क्या है कि गवर्नमेंट की जो फायदे होते हैं, स्कीम होते हैं, उसका फायदा उठाने के लिए भी बहुत से लोग ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, तो वो काफ़ी गलत है। देखो ऐसी इन्हीं सब लोगों की वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल फायदा गवर्नमेंट देना चाहती है जिस क्लास को, उसको नहीं मिलके वो दूसरे क्लास को जाता है।
तो दोस्तों ऐसा नहीं कीजिए, आप भी देखो समझदार हो, गवर्नमेंट का जो पैसा जिसके लिए आया है उसी पे जाने दीजिए, उसी का हक है, उसका हक को मारने की कोशिश मत कीजिए, बेईमानी है ये ना। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो ई श्रम कार्ड वो ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, इंटरनेट का नॉलेज है, तो आप खुद भी बना सकते हो, और नहीं हो तो आप अपने अगल बगल का कोई CSE सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ जाके आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल बहुत सब लोग बना ही देते हैं। अब इसमें आते हैं कि ई श्रम कार्ड बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट, सबसे मेन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ में आपके मोबाइल लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है आपका बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आप गवर्नमेंट से जो पैसा आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा, सीधे ट्रांसफर होकर आएगा, तो इसीलिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है ना। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो फायदे हैं, जो फायदा है ये कैसे कैसे आपके पास में आएगा। जो सबसे बड़ा फायदा है वो तो मैं बताने ही भूल गया आपको। तो जो सबसे बड़ा फायदा है कि जब आपका जो डाटा बेस है, आप क्या काम करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या आपका मोबाइल नंबर है, क्या IDS है, सारा कुछ डाटा बेस जब गवर्नमेंट के पास होता है तो भविष्य में जब भी गवर्नमेंट को जरूरत होती है या गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कुछ भी तरह का इस तरह का जो काम होता है, तो वहाँ पास गवर्नमेंट के पास में जब एक डाटा बेस मौजूद है कि हमारे पास में ये इतने लोग हैं काम करने वाले, ये कैटेगरी के लोग हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ से भी आपको काम निकाल के दे सकती है, जो एक बहुत ही मतलब आपके लिए फायदेमंद होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि डाटा बेस से अभी मान लीजिए कि मुझे अगर एक काम करने वाला चाहिए तो मैं क्या है कि दुनिया भर के इधर उधर खोजूंगा कहाँ काम करने वाला कहाँ नहीं है, लेकिन इस डाटा बेस होने से गवर्नमेंट को भी बहुत ही आसानी होगी। साथ में जो लोग इस डाटा बेस का इस्तेमाल करके लोगों को काम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये आसानी होगी। इसका मतलब ये होता है कि काम जो है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये है ई श्रम कार्ड के विषय में। और कुछ लोगों का सवाल था कि ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड क्या अलग है, तो बिल्कुल ही अलग है। ई श्रम कार्ड आप समझो नेशनल लेवल पे है, और जो लेबर कार्ड होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। दोनों के अलग अलग फायदे हैं, नुकसान तो मेरे हिसाब से किसी में नहीं है। आप अपना ई श्रम कार्ड बनाइए, लेकिन वैसे लोग नहीं बनाइए जिनके पास में अच्छे खासे पोस्ट है, अच्छे खासे सैलरी है, वैसे लोग मत बनाइए। जिनका फायदा है उन्हें लेने दीजिए और आप उनमें मदद कीजिए। और आप मदद कर सकते हैं इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करके जो लोगों को इस सब के विषय में जानकारी नहीं है। चलिए पसंद आए तो कंटेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सब के विषय में जानकारी हो तो कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपको अभी इसके विषय में अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।